बच्चों और आज के हमारे टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो देखेंगे और करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ठीक है सबसे पहले तो जानेंगे कि कंसनट्रेशन होती क्या है तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक सबस्टांस के अंदर हम लोग कितना अमाउंट में दूसरे सबस्टांस को मिला रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेशन यानी कि हाउ मच ऑफ अ गिवन सब्स्टांस मिक्सड इन अनोदर सब्सटांस हमें एक सब्स्टांस दिया हुआ है उसको कितना अमाउंट हम दूसरे सब्सटांस के अंदर मिला रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे कंसन्ट्रेशन यानी कंसन्ट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू वन लीटर पुट कर दूँ तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगी मास के इक्वल अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होती है यानी अगर मैं एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालूं तो वो क्या होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती है मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी एक लीटर सॉल्यूशन में मैंने कितना ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व किया है उसे मैं बोलूँगी कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूला में देखूँ सीज इक्व एम अपॉन वी तो यहाँ एम क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और वी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ठीक है अब मैं देख रही हूं कि सॉल्यूशन को मैंने दो और पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन पहले दो पार्ट्स क्या पढ़े थे पहले दो पार्ट्स पढ़े थे हम लोगों ने सैचूरेटेड और अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन मैंने कहा था कि आगे दो और पार्ट्स पढ़ेंगे वो हो गए डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट जो होता है वो कम प्रपोर्शन में स्मॉल प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है यानी सॉल्यूट क्या होगा थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलवेंट उस टाइप के सॉल्यूशन जो बनेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन नाम से ही दिख रहा है डाइल्यूट मतलब जो बहुत ही लिक्विड है जिसके अंदर सॉल्वेंट तो ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहे हैं ऐसे ही दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे जिनके अंदर जो सॉल्यूट है वो हाई प्रोपोर्शन में यानी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्वेंट के साथ साथ जो सॉल्यूट है वो भी बहुत ज़्यादा है इस कारण से सॉल्यूशन कैसा हो गया कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया तो ये दो पार्ट्स पढ़े हम लोगों ने कंसनट्रेशन के बेसिस पे कि जिसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट है वो तो कॉन्सेंट्रेटेड और जिसमें लो प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ठीक है अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग एक कॉन्सनट्रेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं यानी हम कंसनट्रेशन को कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें फर्स्ट टाइप मिलता है मास बाय मास परसेंटेज अब मास बाय मास परसेंटेज होता क्या है ये भी एक टाइप ऑफ कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का यानी हम लोग एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं किस बेसिस पर कि पर हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन के अंदर यानी सौ ग्राम सॉल्यूशन में हमने कितने ग्राम सॉल्यूट को डिजोल्व किया है उससे क्या बोल रहे हैं हम लोग मास बाय मास परसेंटेज तो यहाँ हमें सिर्फ निकालना है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट सॉल्यूट डिजॉल्व किया है वही निकालना है तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला देख लो यही तो इंपॉर्टेंट है इसी से तो हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे तो मास बाय मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड क्यों क्योंकि हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है परसेंटेज निकालने के लिए हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं वही करना है बस ठीक है अब ये पूरा एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है तो हम जब तक एक एग्जाम्पल नहीं ले लेंगे हमें ये समझ में आसानी से नहीं आएगा तो एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल में है कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन वेयर 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ डिज़ोल्व इन 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन क्या बोल रहा है ये कि मैंने 12 ग्राम ग्लूकोज डिज़ोल्व किया है 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर ये बात आई समझ अब मुझे निकालना है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज सिंपल कितना परसेंट ग्लूकोज प्रेजेंट है यानी कि अभी हमें 12 ग्राम दे रखा है अभी हमें इसको किस में कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है सिर्फ इतना सा काम करना है सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं गिवन गिवन क्या है हमें हमें गिवन है मास ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज क्या है हमारा सॉल्यूट है तो मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है हमें बारह ग्राम गिवन है ठीक है दूसरी चीज़ हमें दिख रही है कि हमें मास ऑफ सोल्यूशन भी दे रहा है तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है हमें दो सौ ग्राम गिवन है ठीक है ये दो चीज़ें ही हमें मिली हैं इसके अंदर ओके अब हमें फाइंड क्या करना है फाइंड हमें करना है मास बाय मास परसेंटेज यानी एम बाय एम में लिख देती हूँ इसको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ किसका ग्लूकोज का ये बात इम्पोर्टेंट है यहाँ कुछ और भी हो सकता है अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर हम वाटर अभी ऐड करते हैं ना और हमें यह पूछ लेता कि हमें मास बाय मास परसेंटेज और वाटर निकालना है तो उसके लिए हम लोग अलग तरह से सॉल्व करते हैं तो मास बाय मास परसेंटेज हमें अभी ग्लूकोज का निकालना है यानी ग्लूकोज कितने परसेंट प्रेजेंट है इसके अंदर तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखो तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है क्या होता है मास बाय मास परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड ठीक है ये फॉर्मूला हमने लिख दिया आपसे सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान है तो क्या लिख देंगे फॉर्मूला में हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बारह ग्राम तो बारह ग्राम लिख दिया ऊपर ठीक है नीचे क्या लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है दो सौ ग्राम इन टू में हंड्रेड तो सिंपल हो गया दो ज़ीरो से दो जीरो कैंसिल होगा ये बचा टू 12 से कैंसिल कितने टाइम्स हो गए सिक्स टाइम्स तो कितना हो गया सिक्स परसेंट यानि कि 200 ग्राम सॉल्यूशन में जब हमने 12 ग्राम ग्लूकोज मिलाया तो कितना परसेंट ग्लूकोज मिलाया छः परसेंट ग्लूकोज मिलाया हमने क्या किया हमने हमें मास दिया हुआ था ग्लूकोज का हमने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया और यही हो गया हमारा आंसर सिक्स परसेंट समझ आया कैसे निकालते हैं मास बाय मास परसेंट और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है इफ़ हंड्रेड ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इसको करो टिक इफ हंड्रेड ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेंस नाइंटी एट ग्राम ऑफ एच टू एस ओ फोर एंड रेस्ट टू ग्राम आर वाटर एंड इम्प्योरिटीज देन कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन ने हमें कहा कि मैन मैंने लिया 98 ग्राम H2SO4 प्लस दो ग्राम मैंने लिया वाटर और थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स हैं इसके अंदर और इन दोनों को मिक्सअप करके मैंने मुझे मिला सौ ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन क्यों क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट था एच टू एस फोर जो कि क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था इसलिए सॉल्यूशन बना वो क्या बना सल्फ्यूरिक एसिड बना क्योंकि दो ग्राम तो हमने सिर्फ वाटर ही मिक्स किया है इसके अंदर ओके okay. अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे इस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकालना है मास बाय मास परसेंटेज निकालना है यानी कि इस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है ये मुझे निकालना है वैसे तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है कैसे कि 100 ग्राम दिया हुआ है 98 ग्राम तो एस ही है यानी नाइन्टी एट परसेंट प्रेजेंट है मास बाय मास परसेंटेज की वैल्यू क्या आएगी नाइन्टी आएगी फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते ओके सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन लिखेंगे गिवन हमें क्या है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है H2SO4 टू एस ओ फोर है सॉल्यूट। कितना परसेंट कितना ग्राम है नाइन्टी एट ग्राम ठीक है मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है हंड्रेड ग्राम्स ओके अब ये हमें दिया हुआ है लेकिन हमें इसका कुछ करना नहीं क्यों क्योंकि हमसे मास बाय मास परसेंटेज इसका पूछा है जिसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए थी मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन हाँ अगर मुझसे मास बाय मास परसेंटेज पूछता वाटर का तो मैं यहाँ मास ऑफ़ सॉल्यूट की जगह 98 ग्राम नाली के क्या लिखती दो ग्राम लिखती क्यों क्योंकि अब मुझे वाटर के रिस्पेक्ट में मास बाय मास परसेंटेज निकालना यानी वाटर कितना परसेंट है अभी मुझे वाटर का परसेंटेज तो नहीं पूछा मुझे पूछा है एस का तो मैं मास ऑफ सॉल्यूट क्या लूँगी एच का मास ठीक है अब मुझे फ़ाइंड करना है भाई मास बाय मास परसेंटेज फाइंड करना है तो मास बाय मास परसेंटेज मुझे फ़ाइंड करना है ओके कैलकुलेट करो फॉमूला लिख दो फॉर्मूला क्या है मास बाय मास परसेंटेज का तो फॉर्मूला यूज मास बाय मास परसेंटेज मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूं एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना इस एग्जाम में पूरा मास बाय मास परसेंटेज लिखना होता है ओके क्या फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड ठीक है अब सॉल्व कर लो इजी है तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह लिख दो 98 ग्राम और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह 100 ग्राम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है ये 100 से ये 100 गया कितना बचा नाइन्टी एट परसेंट मैंने कहा था नाइन्टी एट परसेंट आएगा वो तो देखने से पता चल रहा था लेकिन हर बार तो नहीं पता चलता देखने से तो कैलकुलेट तो करना पड़ता है यानी कि मेरे सौ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर नाइन्टी एट परसेंट क्या प्रेजेंट था सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट था तो ये हो गया मेरा आंसर अब एक और ट्राई कर सकते हो कि आप वाटर का मास बाय मास परसेंटेज निकाल लो तो क्या करेंगे सब सेम है सिर्फ 98 एट की जगह क्या चलेगा टू चलेगा और आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा टू परसेंट आ जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू ग्राम ऑफ़ फाइव सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास इस क्वेश्चन का क्या मतलब है इस क्वेश्चन का मतलब है कि मुझे 250 ग्राम का सॉल्यूशन बनाना है यानी मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 250 ग्राम जिसके अंदर 5 परसेंट क्या प्रेजेंट होना चाहिए ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए तो मुझे बताओ कि मैं इसके अंदर कितना ग्लूकोज़ ऐड करूँगी कि वो एग्जैक्टली फाइव परसेंट ग्लूकोज़ हो क्वेश्चन क्या हो गया अपोजिट हो गया अभी तक हमसे मास दे देते थे, थे। परसेंटेज पूछा जा रहा था अब हमें परसेंटेज दे दिया और हमें मास पूछा है ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा नहीं करना सबसे पहले क्या लिखना है गिवन लिखना है तो गिवन हमें है मास ऑफ़ सॉल्यूशन तो हमें दिया हुआ ही है क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम और दूसरा हमें क्या दे रखा है ये फाइव परसेंट दे रखा है ये है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज जो कि है हमारा सॉल्यूट ठीक है तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है कितना फाइव परसेंट फाइंड क्या करना है फाइंड हमें करना है मास ऑफ सॉल्यूट यानी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला लिखो चलो फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज का इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड और मुझे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है मुझे मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है यानी परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज तो मुझे पहले से पता है कितना है फाइव परसेंट इसको रख दिया इज इक्वल्स टू में मास ऑफ़ सॉल्यूट तो मुझे पूछा है तो मैं इसका कुछ कर नहीं सकती तो मैं इसको ऐसा कैसा लिख देती हूँ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मुझे दिया है टू फिफ्टी ग्राम्स तो टू फिफ्टी ग्राम यहाँ पर लिख दो और इन में है हंड्रेड मास ऑफ सॉल्यूट को यहीं छोड़ दो और बाकी सबको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा फाइव इन ये टू फिफ्टी ग्राम आएगा मल्टीप्लाई में अपॉन में हंड्रेड जाएगा डिवाइड के अंदर तो हंड्रेड इज इक्वल्स टू क्या है मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ ठीक है ये गया टू टाइम्स और टू से ट्वेंटी फाइव गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव टाइम्स ठीक है तो मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या आई मास ऑफ़ सॉल्यूट मिल गया हमें ट्वेल्व पॉइंट फाइव ग्राम यानी कि जब मैं टू फिफ्टी ग्राम सॉल्यूशन के अंदर ट्वेल्व पॉइंट फाइव ग्राम ग्लूकोज मिलाऊंगी तब वो कितना परसेंट होगा ग्लूकोज़ फ़ाइव परसेंट ठीक है अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हाँ जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग टेन ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी कि एन ए सी एल इन नाइन्टी ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मैंने दस ग्राम सॉल्ट लिया ठीक है और उसे मिक्स करा किसके अंदर नाइन्टी ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ठीक है और मुझे एक सॉल्यूशन मिला अब मुझे क्या करना है मुझे परसेंटेज ऑफ सॉल्ट भी निकालना है कि सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्ट मिलाया है और कितना परसेंट वाटर मिलाया है तो गिवन निकालो सबसे पहले तो गिवन क्या है हमें मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है कौन कम अमाउंट में प्रेजेंट है सॉल्ट दस ग्राम है पानी तो नब्बे ग्राम है है ना तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा टेन ग्राम ठीक है अब दूसरा हमें दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है सॉल्वेंट? वाटर है ठीक है कितना ग्राम है नाइन्टी ग्राम अब हमें लेकिन हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें सॉल्वेंट तो नहीं चाहिए क्या चाहिए सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा टेन ग्राम प्लस नाइन्टी ग्राम सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके ही तो सॉल्यूशन बना है तो जो सॉल्यूट का मास होगा प्लस जो सॉल्वेंट का मास होगा तो को ऐड कर दो तो सॉल्यूशन का मास निकल आएगा तो टेन प्लस नाइन्टी करेंगे इज इक्वल्स टू तो क्या आएगा हंड्रेड ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन तीनों चीज़ें मिल गई हमें जो हमें काम की थी ठीक है फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ सॉल्ट परसेंट सॉल्ट है एंड परसेंटेज ऑफ वाटर, ओके दोनों फाइंड करने हैं सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सॉल्ट यानी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट ठीक है क्या होगा इसका फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट मैं लिख देती हूँ जो कि क्या है हमारा सॉल्यूट है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड तो मास ऑफ सॉल्ट कितना है टेन ग्राम टेन अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला हंड्रेड ग्राम तो हंड्रेड और इन टू में हंड्रेड हंड्रेड से हंड्रेड तो हो गया कैंसिल आउट तो कितना परसेंट है टेन परसेंट सॉल्ट प्रेजेंट है हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर पहला मास बाय मास परसेंटेज निकल गया दूसरा निकालेंगे किसका परसेंटेज वाटर का तो निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर मास ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड तो मास ऑफ वाटर कितना है नाइन्टी ग्राम्स और मास ऑफ सॉल्यूशन है हंड्रेड ग्राम्स इनटू में है हंड्रेड हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल आउट हो गया आंसर आया नाइन्टी परसेंट यानी नाइन्टी परसेंट वाटर प्रेजेंट था हमारे सॉल्यूशन के अंदर तो ऐसे हमने दोनों कंपोनेंट्स का मास बाय मास परसेंटेज निकाल लिया ठीक है अब देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमें कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग फाइव ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड एट ग्राम ऑफ शुगर इन सेवेंटी सेवन ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट यानी कि फाइव ग्राम लिया इसने सॉल्ट और एट ग्राम ली इसने शुगर और किस में डिज़ोल्व कर दिया इसे सेवेंटी सेवन ग्राम वाटर के अंदर ठीक है तो इससे टोटल तीन चीज़ें ली जिसमें से ये रहे दो सॉल्यूट और एक रहा सॉल्वेंट इन तीनों के मास को ऐड करें तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल आएगा हमारे पास में नाइन्टी ग्राम्स तो नाइन्टी ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूशन अब ये हमसे कह रहा है कि हमें इन तीनों कंपोनेंट्स कौन शुगर और वाटर इन तीनों का मास परसेंटेज निकालना है यानी कौन कितने परसेंट है ठीक है सबसे पहले निकाल लेते हैं परसेंट ऑफ सॉल्ट उसके लिए क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्ट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू करेंगे किससे से हंड्रेड से ठीक है तो मास ऑफ सॉल्ट है फाइव अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 90 ग्राम इन कर देते हैं इसको 100 से तो एक जीरो से ये ज़ीरो कैंसिल 50 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा 5.56 परसेंट ठीक है तो ये है परसेंटेज सॉल्ट का इतना परसेंट सॉल्ट प्रेजेंट है अब निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ शुगर ठीक शुगर कितने परसेंट प्रेजेंट है तो उसके लिए करेंगे मास ऑफ शुगर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू करेंगे हंड्रेड से तो मास ऑफ़ शुगर दिया हुआ है एट ग्राम्स तो एट ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला नाइन्टी ग्राम इनटू करेंगे किससे हंड्रेड से एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल एट्टी को डिवाइड करूँ नाइन से तो कितना आ जाएगा एट पॉइंट एट 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 आएगा एंड लास्ट में आएगा नाइन तो लिख देते हैं एट पॉइंट एट नाइन परसेंट ठीक है ये आ गया परसेंटेज ऑफ सॉल्ट निकल गया परसेंटेज ऑफ शुगर निकल गया अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें और माइनस कर दें हंड्रेड में से तो क्या निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर निकल जाएगा तो कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट है परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू हंड्रेड माइनस सॉल्ट परसेंट एंड प्लस करेंगे शुगर कितने परसेंट है ठीक है तो हंड्रेड में से माइनस करो सॉल्ट कितने था फाइव पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट प्लस शुगर कितना है एट पॉइंट एट नाइन परसेंट दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा हंड्रेड माइनस इन दोनों को ऐड करके आया फोर्टीन पॉइंट फोर फाइव ठीक है अब इस हंड्रेड में से माइनस करो कितना आएगा एट्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव परसेंट तो हमने निकाल लिया तीनों के सॉल्ट कितने परसेंट प्रेजेंट था शुगर कितने परसेंट थी और वाटर कितने परसेंट था ठीक है तीनों निकल गए और हमें ये समझ आ गया कैसे हम लोग मास बाय मास परसेंटेज निकालते हैं ये क्या टाइप था कंसनट्रेशन का टाइप था दूसरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कौन सा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज तो नेक्स्ट सैटरडे को रेडी रहिएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने के लिए और वेडनेसडे को क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक ओके सो so, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उन सबको डेफिनेटली सॉल्व कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा ओके थैंक यू सो मच